पहला मुद्दा मैं उठाने वाली हूँ फिर से एक बार राम मंदिर। पिछले हफ्ते हमने बात की है लेकिन विस्तार से इस बार, इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीन पार्टियां आपस में कुछ हल निकाले राम मंदिर के बारे में। बिल्कुल। तो क्या ये आपस में आप हल निकलता हुआ आपको दिखता है? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि एक शेर है जिसको मैं यहाँ बोलना भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की अगर हम बात करते हैं तो आपस में जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो निकाल है कुछ बड़े लोग बैठकर करना चाहिए। राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। किसको फुर्सत है करे खिदमत इंसान जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। अरे भाई, हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक ही रक्त है। अगर हम कहीं हिंदू हैं तो मुसलमान भाई भी यहाँ इसी देश में हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर, यहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे राम मंदिर है, इसमें कोई ना कोई अच्छा विकल्प ढूंढना चाहिए। और हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको राजनीति छोड़कर, देखिए इसका इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा कि इसमें राजनीति है। इसलिए एक बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सुंदर फैसला किया कि आपस में बैठकर, चाहे वो उलामा है, मौलाना है, चाहे वो हमारे पंडित हैं या वहाँ पर बैठे हुए आचार्य हैं, आपस में बैठकर इसका फैसला निकालें। आपने पूछा कि इसका फैसला कब होगा? जी हाँ, ये जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो मैं शुरुआत कहाँ से की कि इस वर्ष में हिंदुत्व का उजागर होगा पूरे विश्व में, हिंदुत्व और भगवा। ऐसा समझ लीजिए कि लोग एक जमाने में भारत एक शांति का प्लेटफॉर्म है उसको ढूंढते थे और आज भी उस विषय को बढ़ाया जा रहा है और लोगों को ये समझ आ रही है, चाहे वो वेटिकन हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे वो वेटिकन हो, चाहे वो अमेरिका व्हाइट हाउस हो, कहीं ना कहीं सुबह सुबह ओम और प्राणायाम की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, क्योंकि जीवन जीने की एक पद्धति है। और राम मंदिर जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था और बाबरी मस्जिद जो है वो मुसलमानों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे इस वर्ष, अगले साल के गुड़ी पाड़वा से पहले इसका निकाल निकलता हुआ दिखाई देता है, जो ऐसा समझ लीजिए कि पिछले सैकड़ों सालों से, 1992 में तो जो हुआ, वो 96 में जो हुआ वो देखा ही लोगों ने, मगर उस तरह का वातावरण नहीं बनेगा मुझे लगता है। कोई ना कोई इसका रास्ता एमिकेबली शांति से बैठकर निकल जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वाकई में। और जैसा आपने कहा कि जो समस्या 20-25 सालों से हम देख रहे हैं, अचानक उसका हल निकलता अगर दिखेगा तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल।